हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेक्रोसिस नेक्रोसिस इज द सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज दैट फॉलो सेल डेथ इन लिविंग टिश्यूज इ रिवर्सिबल एक्जोजिनस इंजरी मतलब क्या होता है कि सेल डेथ हो जाती है ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह सेल डेथ हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर लिविंग टिश्यूज़ में नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज फोकल डेथ अलॉन्ग विद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेटेड बाय सेल्स इट इज इनवेरिएबली अकम्पनीड बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस तो ये सेल डेथ होगी क्यों ये सेल डेथ होगी कि सेल्स से ही रिलीज होने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से और कुछ ऐसी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकती हैं बॉडी की जो कि नेक्रोसिस करवा सकती हैं कई कॉजिस होते हैं जिसमें पहला है हाइपॉक्सिया प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाना जिसकी वजह से सेल प्रॉपरली उस अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगी और सेल डेथ हो सकती है नेक्रोसिस हो सकता है उसकी वजह से केमिकल फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं माइक्रोबियल एजेंट्स इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स टू असेंशियल चेंजेस कॉज इरिवर्सिबल सेल इंजरी या तो देखो सेल इंजरी इस वजह से होगी क्योंकि जो एंजाइम थे वो रिलीज हो गए सेल में से और सेल का एंजाइमेटिक डाइजेशन हो गया या फिर क्या हो सकता है डी हो सकती है प्रोटीन की सेल प्रोटीन से बनी हुई है उसकी लाइनिंग वगैरह उसके अंदर भी प्रोटीन है तो अगर उसका डी हो जाएगा तो उसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है हायरोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑटोलिसिस भी करवा सकते हैं हेट्रोलिसिस भी करवा सकते हैं उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली हमें आ, कैसी अपियरेंस मिलती है नेक्रोसिस के अंदर हमें ईसिनोफीलिया इंक्रीज मिलता है यानी कि ईसिन जो है वो डी नेचर्ड इंट्रासाइटोप्लाजमिक प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाता है जिसकी वजह से ई हमें मिलता है नेक्रोसिस में सेकेंड हमें होमोजीनियस अपीयरेंस मिलती है सब एक जैसा दिखता है मॉर्फोलॉजिकली uh, उस चीज़ में नक्रोस एरिया एंड देन न्यूक्लियर चेंजेस में होता है नॉन स्पेसिफ़िक ब्रेक डाउन ऑफ टीएनए तो न्यूक्लियर चेंजेस में हमें सेल्स के अंदर पाइकनोसिस कार्योलाइसिस कारियो हेक्सिस मिल सकता है यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल का कंडेंस होना उसका फेड होना उसका फ्रेगमेंटेशन होना देन uh, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं नेक्रोसिस के जैसे कि है पहला है क्वैगुलेटिव नेक्रोसिस देन uh, लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस एंड केशस फैट नेक्रोसिस तो पहला जो टाइप होता है क्वेगुलेटिव नेक्रोसिस ये होता है ड्यू टू तो डी नेचरेशन विच अकॉज एस अ प्राइमरी पैथोलॉजी इन क्वैगुलेटिव नेक्रोसिस देन एंजाइम डाइजेशन की वजह से होता है लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस और कुछ और कंडीशन की वजह से केशस और फैट नेक्रोसिस हो जाता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोएगुलेशन नेक्रोसिस इसके क्या कारण होते हैं पहला कारण है इस्कीमिया यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड सॉरी प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होना दैट इज़ इस्कीमिया उसका वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकता है बैक्टीरियल कॉजेस हो सकते हैं केमिकल काजेस हो सकते हैं जनरली ये हार्ट किडनी और स्प्लीन के अंदर होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट किडनी और स्प्लीन में होता है जनरली प्रिजर्व बेसिक स्ट्रक्चरल आउटलाइन इसके अंदर क्या होता है कि सेल की जो आउटलाइन है वो रह जाती है और अंदर का सारा कुछ खराब हो जाता है तो इसमें एसिडोसिस हो जाएगा डी नेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड एनजाइमेटिक प्रोटीन माओकार्डियल इन्फॉक्शन एसिडोफिलिक अन न्यूक्लियर क्वेगुलेट लीड्स टू नेक्रोसिस डेबरिस विच रिमेन आफ्टर नेक्रोसिस फ्रेगमेंटेशन एंड फेगोसाइटोसिस सो इसमें uh, जो नेक्रोसिस होगा वो ऐसा दिखेगा नेक्रोसिस इसमें ग्रॉसली आपको क्या दिखेगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में ग्रॉसली uh, आपको वो जो पार्ट है uh, वो पेल और फर्म नज़र आता है अर्ली स्टेज में और फिर वो बाद में येलोइश सॉफ्टर और श्रंकन नज़र आता है माइक्रोस्कोपिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हमें टॉमस्टोन uh, अपीयरेंस देते हैं टॉमस्टोन अपीयरेंस मतलब कि जो सेल है उसकी आउटलाइन हमें नज़र आएगी लेकिन उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो ख़त्म हो चुका है क्वागुलेटिव नेक्रोसिस की ये पिक्चर है स्कीमिया एंड एंड लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई रिजल्टेंट टिश्यू देयर इज अ वेज शेप्ड पेल एरिया ऑफ क्वेगुलेटिव नेक्रोसिस ये यहाँ पे क्वेगुलेटिव नेक्रोसिस का एरिया दे रखा है ये वाला देन इन्फॉक्शन इन द रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी दैन लिक्वि नेक्रोसिस ये दूसरा टाइप है कॉमनली ड्यू टू इस्स्मिक इंजरी एंड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ डब्ब्यू बी सी तो इसमें क्या है इस्कीमिक इंजरी हो जाती है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाता है इसमें डब्ल्यू बी सी का एक्यूमुलेशन मिलता है पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से होता है मेनली ये ब्रेन में मिल सकता है ब्रेन इन्फॉक्ट एंड एब्स उसके अलावा इसमें ग्रॉसली हमें एरिया जो मिलेगा वो सॉफ्ट लिक्विफाइड सेंटर मिलेगा कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रेस एंड वॉल इज फॉर्म तो सेंटर में इसमें एक लिक्विफाइड एरिया मिलता है और उसके अंदर नेक्रोटिक डेब्रिस मिलती है तभी ये लिक्विफ नेक्रोसिस है माइक्रोस्कोपिकली सिस्ट वॉल इज़ फॉर्म बाय प्रोलीफरेटिव कैपिलरीज इन्फ्लामेटरी सेल एंड ग्लियोसिस ब्रेन में ग्लियोसिस एंड प्रोलीफरेटिव फाइब्रोब्लास्टिंग एब्सेस एब्सेस में प्रॉलीफर वो फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं तो एक सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन इसमें माइक्रोस्कोपिकली हमें दिखती है पहले वाले में हमें टॉम स्टोन अपीरेंस मिली थी लिक्विफेक्शन वाले में हमें सिस्ट वॉल मिलती है सेंटर में एक नेक्रोटिक डेब्रिज का लिक्विफाइड एरिया मिलेगा ये जो वॉल बनी होगी सिस्ट वॉल वो कैपिलरीज इन्फ्लामेटरी सेल्स के मिलने की वजह से मिलती है बनती है एंड देन आता है केशियस नेक्रोसिस इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ्टूबरकुलस इन्फेक्शन एंड and एंड लिक्विफेक्टिव ग्रॉसी इसमें ड्राई चीज़ लाइक सॉफ्ट ग्रैनुलर येलोइ अपीरेंस होती है तो केशियस नेक्रोसिस वहाँ होगा जहाँ पर टी बी की इन्फेक्शन है कहीं पर भी टी बी हो गया तो उसमें जब नेक्रोसिस होगा उस पार्ट का तो वो वहाँ केशियस नेक्रोसिस होगा इसमें क्वेगुलेटिव लिक् दोनों कम्बाइन हो जाते हैं और इसकी वजह से ग्रॉसी ड्राई चीज़ लाइक अपियरेंस हो जाती है येलोइश होती है सॉफ्ट ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है

Cheesy tan granulomas in the upper portion of uh, this lung in a patient with T B. Digya. Next hai, uh, gross appearance of caseous necrosis is a hilar lymph node infected with T B. The node has a cheesy tan to white appearance here. दैन फैट नेक्रोसिस ये एक और टाइप है टू लोकेशन फॉलोइंग्यूट पेनक्रियाटाइटिककरोसिस और ट्रोमैटिक नेक्रोसिस लिबरेशन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेस हाइड्रोलिस ऑफ न्यूट्रल फैट इन एडिपोजू इन टू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिडस कम्बाइन टू कैल्शियम एंड टू फॉर्म कैल्शियम सोप सेपोनीफिकेशन सो फैट नेक्रोसिस में वहाँ पर होगा जहाँ पे फैट ज़्यादा है तो ये जनरली पेनक्रियाज के अंदर होता है पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक लाइपेज ऐसा नेक्रोसिस कर देता है टिश्यू फैटी एसिड वगैरह जो उसमें है उसमें हाइड्रोलाइज तो हो जाते हैं ड्यू टू डिस पैनक्रिएटिक लाइपेस और इससे सेपोनीफिकेशन हो जाते हैं कैल्शियम सोप्स की फॉर्मेशन हो जाती है फैट नेक्रोसिस में ग्रॉसी हमें कैल्शियम सोप अपीयरेंस यानी कि येलोइश वाइट और फर्म डिपॉजिट मिलेगा कैल्शियम सोप्स बने हुए मिलेंगे यानी कि चौकी वाइट अपीयरेंस मिलेगी माइक्रोस्कोपिकली क्लाउडी अपीयरेंस है सराउंडेड बाय एन इनफ्लामेटी रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप इज आइडेंटिफाइड इन सेक्शन एज अ ग्रैनुलर बेसोफिलिक मटेरियल देन फैट नेक्रोसिस ऑफ द पेनक्रियाजा दिखता है देन फाइब्रीनॉइड नेक्रोसिस डिपोजिशन ऑफ फाइब्रीन लाइक मटीरियल विच स्टेन लाइक फाइब्रीन एग्जाम्पल इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी इम्यून कॉम्प्लेक्स वास्कुलाइटिस आर्टीरियोल्स इन एच टी एन पैप्टिकल्स माइक्रोस्कोपिकली ब्राइट इओसिनोफिल हाइलिन लाइक डिपोजिशन होता है इसमें वेसल्स में लोकल हैमेज तो फाइब्रिन जैसे फाइब्रस होता है फाइब्रिन लाइक डिपोजिशन जहाँ मिलता है उसे फाइबरिनय नेक्रोसिस कहते हैं तो ये कुछ मेडिसिन हैं बेलेडोना आर्सेनिक वगैरह जो कि नेक्रोसिस में इफेक्टिव है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू